क्या है पूरा मामला? वही जब जनता में काम नहीं किए, बांध का काम रुकवाए रहे, सड़क बनाए नहीं, स्कूल बनाए नहीं, मास्टर पहुंचाए नहीं, तो अब जब गांव में जा रहे हैं तो घबराएंगे नहीं, घबराएंगे तो शिकायतें करेंगे। अगर वो शिकायत क्या कर रहे हैं बता देंगे तो मैं उनका वो भी जवाब दे दूँगा। अभी हाल आपको मैंने कहा जो जनता में हार जाते हैं वो फिर कहीं और हाथ पाँव मारते हैं। अब हाथ पाँव मारने से होता नहीं, जनता ने बहुत बड़ा मौका दिया था, इतना प्यार इसने दिया था। हम बेटियों की शादी कर रहे थे, गांव में विकास कर रहे थे, बांध बना रहे, सड़कें बना रहे, सरकारी आईटीआई बना रहे, अपने डिग्री कॉलेज खोल रहे। हमें हरा के इनको चुना था कि ये और बेहतर काम करेंगे, पर पूरे 5 साल में एक सड़क नहीं है, हेडपम्प नहीं है, तो अब क्या होगा? शिकायत के अलावा कुछ होना है क्या? शिकायत ही तो करेंगे, शिकायतों से कुछ होने वाला नहीं है। जनता में हार गए, वो पहले चुनाव निर्णय हो गया, खोलेगा 10 तारीख को, आज ही खुल गया। बस शिकायतों पर आ जाए, समझ लो आदमी चुनाव छोड़ भाग रहा है, शिकायतों पर आ रहा है तो हाथ पाँव मार रहा है अभी। मैंने कहा उन्हें, मैं चाहता हूँ स्वच्छ राजनीति करें, अच्छी राजनीति करें, सोच अच्छी बनाएं। जब तक जनता का प्यार इसने नहीं मिलेगा कोई नहीं जीतता, और इस बार जनता का मन समाजवादी पार्टी की तरफ है, अखिलेश जी की तरफ है। उनकी काम गिन रहे हैं लोग, लैपटॉप बढ़ रहे थे, कन्या विद्या धन बढ़ रहा था, पेंशन मिल रही थी, सूखा पड़ गया पैकेट पहुँच रहा था, ओले पड़ गए मुआवजा मिल रहा था, बांध बना रहे थे, सरकारी आईटी करोठा बनाए, जीआईसी कर खड़ौरा बनाए, मॉडल स्कूल बामोर बनाए, सारी बिजली के सिस्टम को बदल दिया, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करी, सब। इन्होंने क्या किया? ये काम है किसी क्षेत्र में? जब नहीं है तो शिकायत ही काम है इनके पास। वास्तव में पहले शिकायती विधायक रहे हैं, ये विभाग की शिकायत करते हैं, पीछे से पैसे तय कर लेते हैं। ये अपने आप को ईमानदार बताते, सब घाटों में पार्टनर थे। जितना खनन इन 5 सालों में हुआ उतना 50 साल में नहीं हुआ। जाओ जानकारी कर लो, आपको मेरी बात सच्चाई, उनकी बात सच्चाई, मेरी बात झूठ निकलेगी, राजनीति छोड़ूंगा मैं। मैंने कहा कि अब घबराने से कुछ, जब अगर सोच होती मन में गरीबों के प्रति तो एक आध बेटी की शादी कर डालते आप, किसी की मदद नहीं की, इसलिए शिकायत के दम पे जिंदा है। वर्तमान विधायक आरोप लगा रहे कि आप अपनी विधानसभा में कपड़े बंटवा रहे हैं, साड़ियां बंटवा रहे हैं, कंबल बंटवा रहे हैं, कैसे बंटवा रहे हैं? देखिए हमने कहा ना, इनके मन में ना तो किसी के प्रति हमदर्दी है, ना सोच है, ना जीवन में राजनीति में कभी ये काम किया। हम लोग तो पूरे 5 साल यही काम करते हैं, कभी गरीब को पड़ गई मदद करते हैं, दवाई कराते हैं, कोरोना काल में बहुत सारे लोगों की इलाज कराया, खून दिया अपना हमने, लेकिन चुनाव में नहीं करेंगे। मैं आपके सामने, जनता के सामने वादा कर रहा हूँ, अगर मैं शराब बांटूँ तो मुझे